हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे साइलेज और आपकी हे होती है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए समझते हैं, साइलेज जो होता है, साइलेज वह क्या होता है। साइलेज देखिए, साइलेज के बारे में जानते हैं कि जो आपका साइलेज होता है उसे हम पशुओं का अचार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिकल्स ऑफ एनिमल्स। पिकल्स ऑफ एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? साइलेज को पिकल्स ऑफ एनिमल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यह एक पशुओं का अचार होता है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रयोग कब किया जाता है या इसे क्यों बनाया जाता है। क्योंकि जब हमारे यहाँ चारे की कमी होती है, फॉडर की कमी होती है, तो ऐसी जब चारे का मौसम नहीं होता है उनको हम कंजर्व कर लेते हैं, और वे मौसम में जब फसलें हमारी नहीं हो पाती है या फॉडर नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो साइलेज या फिर हम हे का प्रयोग करते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए। ठीक है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, साइलेज जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो आपका साइलेज के बारे में जानते हैं कि साइलेज होता क्या है। तो जानते हैं कि साइलेज जो है वह आपका एक दबा हुआ चारा होता है। क्या होता है? साइलेज वह दबा हुआ चारा है जिसमें हरे चारे के सभी गुण उपलब्ध होते हैं, तथा उसमें जो है रसीलापन भी होता है। क्या होता है? रसीलापन। जब हमारा जो साइलेज होता है वह यदि सकुलेंट होगा, सकुलेंट का मतलब यदि वह रसीला होगा, उसमें रसीलापन होगा, तो जो आपके जानवर होते हैं, जो भी आपके पशु होते हैं, उनको बहुत ही अच्छी तरीके से स्वादिष्ट भोजन के रूप में खाते हैं। तो उनका जो खाने का जो तरीका होता है, उनके जो बॉडी में होता है, तो बॉडी में अच्छी तरीके से उनकी बॉडी को बना पाता है। ठीक है, तो उनको वह बहुत अच्छी तरीके से चाव से खाते हैं। तो यह एक तो इसका गुण होता है कि यह रसीला होता है। इसमें यदि हम नमी की बात करें तो साइलेज में नमी लगभग 70% होनी चाहिए। कितनी? 70% नमी होती है। तो साइलेज वह दबा हुआ चारा होता है, जिसमें हरे चारे के सभी गुण मौजूद होते हैं, तथा इनमें किसी भी प्रकार की सड़न उत्पन्न नहीं होती है। क्या नहीं उत्पन्न होती है? इनमें किसी भी प्रकार की सड़न उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और न ही इनमें किसी भी प्रकार की गंध आनी चाहिए। जब इनमें सड़न नहीं होगी तो गंध भी नहीं होगी, और जब इनमें सड़न और गंध इनमें किसी भी प्रकार की नहीं होगी तो जानवर इनको अच्छी तरीके से और स्वादिष्टता पूर्ण खाएंगे। ठीक है, तो ये तो होगी साइलेज की परिभाषा कि साइलेज वह दबा हुआ चारा है। दबा हुआ का मतलब साइलेज को हम क्या करते हैं, ब्लूमिंग स्टेज पर काट लेते हैं। कोई भी आपकी जो फसल होती है उसको हम ब्लूमिंग स्टेज पर काट लेते हैं, और ब्लूमिंग स्टेज पर काटने के बाद क्या करते हैं, इसको हम दबा देते हैं। और कहां पर दबाते हैं? किसी गड्ढे में दबा देते हैं, या किसी खाई में दबा देते हैं, या किसी टूअर जिसे हम बुर्ज कहते हैं उसमें दबा देते हैं। ठीक है, किस स्टेज पर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइलेज को किस अवस्था में काट कर दबा दिया जाता है। तो साइलेज को ब्लूमिंग अवस्था पर या ब्लूमिंग स्टेज पर काट कर दबा दिया जाता है। साइलेज में डायरेक्टली नमी परसेंट पूछ लिया जाता है, तो साइलेज में मॉइस्चर कंटेंट होता है 70%। साइलेज को अचार भी कहा जाता है। किसका? पशुओं का अचार भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए साइलेज को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं एनसाइलिंग। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एनसाइलिंग, या ऐसे हम हिंदी में लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे कि जो साइलेज को बनाने की क्रिया होती है उसे हम कहते हैं साइलिंग, इनसाइलिंग। ठीक है, और इनसाइलिंग अब बनाते किसमें है? गड्ढे में। तो जो भी आपके गड्ढे होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइलो। क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। जो भी इनके गड्ढे होते हैं उन्हें हम कहते हैं साइलो। इन गड्ढों में दबा दिया जाता है, जिन गड्ढों में हरे चारे को दबा दिया जाता है उन्हें हम साइलो कहते हैं। अब देखिए बात आती है कि हम हरे चारे को यूं ही दबा देते हैं, लेकिन क्या होता है कि इन हम हरे चारों को यूं ही नहीं दबाते हैं, इनको हम चैफ्ट कर लेते हैं। चैफ्ट का मतलब होता है जो आपका चैफ कटर होता है, चैफ कटर का मतलब होता है, आपने सुना होगा, कुटी मशीन जो होती है। तो कुटी मशीन की सहायता से इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चैफ कटर। क्या बोलते हैं? चैफ कटर। तो चैफ कटर जो होता है, कुटी मशीन, इसको हम चैफ्ट कर लेते हैं चैफ कटर के माध्यम से। मतलब इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद इसको हम खोदे हुए गड्ढे में दबा देते हैं। ठीक है, दबा देते हैं। इसको दबाने की प्रक्रिया क्या होती है? नीचे हम स्ट्रॉ भरते हैं और स्ट्रॉ के ऊपर
ना यहाँ पर हम इसको जो है साइलेज को दबा देते हैं, किसी हरे चारे के जो चफ्ट किए हुए टुकड़े होते हैं उनको हम दबा देते हैं, और दबाने के बाद उनको हम तब खोलते हैं जब हमारे यहाँ चारे की कमी होती है, ठीक है, यानी कि एक मौसम से दूसरे मौसम में हम उनको खोलते हैं। तो इसका प्रयोग करके हमारे पशु जो होते हैं वह पूरा आनंद भी लेते हैं हरे चारे का, और एक प्रकार से उनका पेट भी भर जाता है। तो इनको हम कुटी मशीन से काट करके इसको हम साइलो में भर देते हैं। साइलो क्या होता है, वह गड्ढा होता है जिसमें साइलेज को दबाया जाता है, और साइलेज को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम एन साइलिंग कहते हैं। साइलेज को ब्लूमिंग स्टेज पर काट लिया जाता है जिसमें नमी परसेंट 70% होती है। साइलेज को अचार भी कहा जाता है, किसका, पशुओं का अचार भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इससे जुड़ी हुई कुछ हिस्ट्री भी है, उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसकी भी कुछ हम बातें कर लेते हैं। जैसे कि जो आपका 1869 में सर्वप्रथम मक्के की जो आपकी करबी होती है, मक्के की करबी को क्या किया गया था, गड्ढे में रखकर सुरक्षित किया गया था। 1869 में मक्के की करबी को गड्ढे में रखकर सुरक्षित किया गया था, गड्ढे में रखकर सुरक्षित किया गया था, ठीक है। उसके बाद 1875 में क्या हुआ, साइलेज का गड्ढा खोदा गया जिसे हम साइलो कहते हैं। साइलेज का गड्ढा खोदा गया और उस गड्ढे में कहां पर माइल्स माइल्स एक व्यक्ति थे, माइल्स ने खोदा था कहां पर, अमेरिका में खोदा था। लेकिन ये मक्का वाला जो है यह आपका फ्रांस में खोदा गया था, कहां पर, फ्रांस में, ठीक है। तो मक्का वाला जो है 1869 में फ्रांस में खोदा गया था, और 1875 में साइलेज का गड्ढा माइल्स ने अमेरिका में खोदा, और अमेरिका में खोदने के बाद उन्होंने क्या किया, साइलेज को बनाया, ठीक है, क्या किया, साइलेज को बनाया। अब देखिए 1877 में एक गोफाल्ट नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस पर पुस्तक भी लिखी थी। क्या लिखी, 1877 में एक पुस्तक लिखी गई, किसने लिखी, गोफाल्ट ने। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि साइलेज पर पुस्तक किसने लिखी, गोफाल्ट ने लिखी। 1875 में साइलेज का गड्ढा माइल्स ने कहां पर खोदा, अमेरिका में सर्वप्रथम पहली बार, और 1869 में मक्के की करबी को गड्ढे में रखकर कहां पर, फ्रांस में रखा गया, कहां पर, 1869 में पहली बार सर्वप्रथम मक्के की करबी को ही रखा गया था, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए जो आपके साइलो होते हैं वह आपके तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, जो आपके साइलो होते हैं वह आपके तीन प्रकार के होते हैं, उनको हम तीन प्रकार से बना सकते हैं, मतलब साइलो का मतलब गड्ढा, ठीक है। तो एक तो देखिए साइलो जो होता है वह आपका एक तो या तो आपका पिट हो सकता है, मतलब सिंपल गड्ढा हो सकता है, दूसरा आपका टूअर हो सकता है, टूअर मतलब जिसे हम बुर्ज, हिंदी में जिसे हम बुर्ज कहते हैं, पिट मतलब जिसे हम गड्ढा कहते हैं, और अगला होता है आपका ट्रेंच, ट्रेंच का मतलब होता है खाई, तो ये भी हो सकता है। तो ये तीन प्रकार के गड्ढे हम खोदते हैं, और इन्हीं में हम क्या करते हैं, तीन प्रकार के ये हम साइलो बनाते हैं, जिनमें हम क्या करते हैं, इन इन साइलो में अपनी हरा चारा होता है, जो भी हरा चारा होता है उनको हम कंजर्व कर लेते हैं, और कंजर्व करने के बाद उनको हम पशुओं को तब खिलाते हैं जब हरे चारे की कमी होती है, ठीक है। अब देखिए चारा, अब ऐसे कौन से चारे का हम प्रयोग सबसे ज्यादा करते हैं, तो ऐसी फसलें जिनका प्रयोग हम सबसे ज्यादा साइलेज बनाने के लिए करते हैं कौन सी सर्वोत्तम होती है, तो सर्वोत्तम में देखिए जैसे आपकी मक्का होती है और ज्वार होती है, या फिर यूं ना कहें तो यूं कह लें कि ऐसी फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है, क्या होती है, जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी फसलें जिनमें कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होती है साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त होती है, जैसे आपकी मक्का है, ज्वार है, जई है, तो ये आपकी साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त फसलें होती हैं। जिनमें ड्राई मैटर कितना होता है, जिनमें ड्राई मैटर साइलेज में ड्राई मैटर लगभग 30-40% होना चाहिए, अनिवार्य रूप से 30-40% ड्राई मैटर अवश्य होना चाहिए, ठीक है। इनको क्या करते हैं, 30-40% इनमें ड्राई मैटर अवश्य होना चाहिए, इनमें नमी कंटेंट 70% होना चाहिए। साइलेज की जो घास होती है या चारा होता है उसको हम ब्लूमिंग स्टेज पर काट लेते हैं, साइलेज बनाने की क्रिया एनसाइलिंग कहलाती है, और साइलेज जिस गड्ढे में भरा जाता है उसे हम साइलो कहते हैं,
ये थे इससे जुड़े हुए कुछ टर्म, किससे? साइलेज से। हम देखिए बात करते हैं हे के बारे में। हे क्या होता है? हे देखिए, हे के बारे में यदि हम बात करें तो जो आपकी हे होती है वह एक प्रकार की सूखी घास होती है। क्या होती है? सूखी हुई घास होती है। लेकिन सूखी घास तो होती है, लेकिन इसमें एक गुण होता है कि इसकी जो पत्तियां होती है इसको हम इस प्रकार से सुखाते हैं ताकि इसकी पत्तियां हरी रहती हैं, हरी के अलावा कोमल रहती हैं, इनमें कहीं भी सड़न नहीं होती है और दुर्गंध रहित होती है, यानी कि इसमें गंध नहीं आती है, गंध नहीं आती है, इनकी पत्तियों में गंध नहीं आती है, हरी पत्तियां होती हैं, कोमल होती हैं, सड़न रहित रहती हैं और गंध नहीं आती है। इनमें जो है जल की मात्रा, हे में जल की मात्रा 18 से कम होती है, 18% से कम होती है। हे में नमी की मात्रा या वाटर कंटेंट की मात्रा या मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा कितनी होती है? 18% से कम होती है। कहीं कहीं पर 12 से 14% भी दिया गया है, तो ऑलरेडी आपको बता दिया गया है कि 18% से कम होती है। किसी भी हाल में हे में नमी कंटेंट जो रहेगा वह 18% से अधिक नहीं होगा, जबकि साइलेज में नमी का परसेंटेज 70% तक होता है। कितना होता है? 70% तक होता है। सर्वोत्तम हे बनाने के लिए जो आपकी सर्वोत्तम फसल होती है वह होती है आपकी जई। कौन सी होती है? जई होती है। सर्वोत्तम हे बनाने के लिए सर्वोत्तम जो आपकी क्रॉप होती है वह आपकी कौन सी होती है? जई होती है। अब देखिए हे मुख्यतया फसलों की, किन किन फसलों की बनाई जाती है? तो जो हे होती है वह आपकी एक तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स की बनाई जाती है, एक तो आपकी लेग्यूमिनस क्रॉप्स की बनाई जाती है और दूसरा आपका नॉन लेग्यूमिनस। एक हो गया लेग्यूमिनस, दूसरा हो गया नॉन लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस, और दोनों को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम क्या देते हैं? मिक्स्ड मिक्स्ड क्रॉप। ठीक है, तो लेग्यूमिनस में आपका क्या आ जाएगा? लेग्यूमिनस में जो है आपके आ जाएंगे जैसे दलहनी फसल है, दलहनी में जैसे आपका लूसर्न होता है, लूसर्न होता है, पी होता है और बरसीम होता है, बरसीम, लूसर्न और आपका काउपी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? काउपी मतलब लोबिया। तो ये जो है आपके हे बनाएंगे तो हम लूसर्न का बना सकते हैं, दलहनी में पी का बना सकते हैं, बरसीम का बना सकते हैं और काउपी का बना सकते हैं। नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम मतलब ऐसी फसलें जो दलहनी नहीं होती है या अदलहनी फसल। तो जैसे आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ज्वार हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, मेज हो जाएगा, मेज हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा और बाजरा के अलावा आपका जो है ओट हो जाएगा। ठीक है, अब मिक्स्ड क्रॉप में क्या आएगा? मिक्स्ड में हम जब दोनों को मिला देते हैं, जैसे हम यहाँ पर कर दें ज्वार प्लस पी कर दें या ओट प्लस मेज ओट प्लस आपका लूसर्न कर दें, तो जब दोनों को हम मिला करके बोल देते हैं तो उसे हम कहते हैं मिक्स्ड क्रॉप। और मिक्स्ड क्रॉप को मतलब मिक्स्ड क्रॉप हे जो होती है उनको हम इस प्रकार से बो करके हे बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपकी ये इतने प्रकार की होती है, इनमें से आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इनमें से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह डायरेक्टली यही पूछे जाएंगे कि हे में जो नमी कंटेंट होता है कितना होता है? 18% से कम होता है। हे जो होती है वह उसकी पत्तियां कोमल होती है और जो हरी रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सड़न ना हो, किसी भी प्रकार की दुर्गंध ना हो। और इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हमारे जानवरों को किसकी कमी हो जाती है? खाने या चारे की कमी हो जाती है, तब हम साइलेज और हे का प्रयोग करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि आपको आई होप कि अच्छा लगा होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके कोई यदि क्वेरी रहती है तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी बाय टैलेंटेड वाई। इसके नोट्स जो हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। आपसे आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।